हेलो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर फाइव सो इफ़ यू थिंक दैट दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज यूर वन लाइक्स ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द लास्ट फोर चैप्टर यू कैन सिम्पली विजिट ऑन माई चैनल यू विल फाइंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सलूसन ऑफ दैट चैप्टर्स ओके सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन फाइव नेम इज द माइजर एंड हिज गोल्ड ओके माइजर कौन होता है कंजूस एक कंजूस आद, जो कंजूस आदमी था और उसका सोना उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ना थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेंग अबाउट माइजर इन हिंदी और इंग्लिश आप सोचिए कोई भी एक पॉपुलर सेंग को जो कि माइजर माइजर कौन होता है किसी कंजूस के ऊपर हो ठीक है ना तो चलिए ये आपको सोचना है अब मैं क्या करूँगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ठीक है ना विथ इन अ होल बिच ही हैड मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर ही केम टू सी इट एवरी डे दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर ओके अब मैं इसके बारे में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगा इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको विजुअलिटी अच्छे से रहे जैसे बिथ इन अ होल बिच ही हैड मेड जैसे इसका पूरा मतलब क्या निकल के आ रहा है कि एक कंजूस अपने स्वयं के बनाए हुए गड्ढे में अपना खजाना रखता था वह उसे रोज देखने आता था यही उसका एकमात्र आनंद था जो मैंने आपको यहाँ तक इसका बताया मतलब इसका क्या निकल के आ रहा है कि एक कंजूस व्यक्ति था जो कि ए, अपने ही वो खुद से ही उसने एक गड्ढा बनाया था ठीक है और उसमें क्या करता था खजाना को रखता था और वो उसी को देखने कौन आता था रोज आता था उसी को देखने वो रोज आता था यही उसका एकमात्र आनंद था इसी में उसको मजा आता था खुशी आती थी ठीक है ना नाउ अब अपन सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं नाउ इट चेंज दैट वंस ही हैड नील्ड बाई अ होल ही वॉज सीन बाई अ रॉबर एंड द रॉबर कैम बैक द वेरी सेम नाइट एंड टुक अवे हिज गोल्ड मीन्स क्या बोल रहा है देखिए एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूं ही यहां से ना नाउ इट चेंज सॉरी सॉरी चांसड सॉरी सॉरी मैंने इसको बाई प्रोनाउंस गलत कर दिया नाउ इट चांस दैट वंस एज ही नेल्ट

उसे एक डाकू ने देख लिया ठीक है और उसी रात डाकू वापस आया और उसका सोना ले गया ठीक है ना इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि एक रात जै एक बार ऐसा हुआ कि जैसे वो, जैसे वो हर दिन गड्ढे को देखने आता था सोने को तो जैसे ही एक बार वो गड्ढे को देखने आता है और नीचे झुका तो एक डाकू उसको देख लेता है और उसी रात को डाकू वापस आया और सोना लेके चला गया ठीक है चलिए थर्ड को करते हैं क्लास When the old man was found that his treasure was gone he made such terrible clatter the neighbors and all came running up to ask what was the matter when the old man found that his treasure was gone he made such a terrible clatter that the neighbor all came running up टू आस्क वॉट वॉज द मैटर चलिए अब मैं आपको इसको देख लेता हूँ जब बूढ़े कंजूस को मालूम हुआ जो एक बूढ़ा आदमी था जब उसको पता चला कि उसका खजाना लुट गया है मतलब कोई उसका खजाना गायब हो गया मतलब वो कौन ले गया वो जो रॉबर था वो ले गया इस उसने इतना भयंकर शोर मचाया मतलब अब चार ओर शोर मचाने लगा कि मेरा जो है वो ट्रेजर वो चोरी हो गया चोरी हुए नहीं करते हैं लोग और इतना भयंकर सोन सुन के सारे पड़ोसी आ गए उन्होंने पूछा क्या हुआ ठीक है ना आगे क्या है मैटर लास्ट नाइट ही सेड रॉबर्ट टुक माई गोल्ड एंड रन अवे विथ हिट वो क्या कहता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ कि उसने पिछली रात जो थी उस डाकू आया था और उसका जो रॉबर मतलब लुटेरा भी होता डाकू भी होता ठीक है तो लास्ट नाइट मतलब आखिरी रात को जो उस पिछली रात ठीक है ना ही सेड उसने कहा आर रॉबर टू जो रॉबर है एक लुटेरा जो है उसका क्या किया सारा का सारा गोल्ड लेके रन अवे विथ इट भाग गया ठीक है ना ऐसा बोल रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप सेड नेवर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन प्रे अस वट यू डिड विथ इट कम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ वट कैन आई डू ही सैड यू कैन कम एवरी डे हिज फ्रेंड्स रिप्लाइड एंड टुक एट लुक एट द होल इंस्टेड ओके आप देखिए इसका मतलब है पड़ोसी ने सोना पड़ोसी ने पूछा सोना लूटने से पहले हमें बताओ तुम उससे क्या करते थे मतलब जैसे सोना तुम्हारा लूटने वाला था तो तुम उससे क्या किया करते थे ठीक है ना तो वो जो वहाँ का कौन है जो बूढ़ा आदमी है तो वो बताता है मैं रोज उसे देखने आता था मैं क्या करता था उस सीने को मैं रोज़ देखने आता था ठीक है ना और जब और अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं क्या करूँगा ठीक है उसने कहा मतलब जो उसका एक दोस्त था उसके दोस्त ने उत्तर दिया कि तुम रोज़ आ सकते हो सोने के बजाय गड्ढे को देख सकते हो ठीक है ना तो मतलब वो क्या कहता है कि तुम अब आओ और क्या करो जो तुम रोज़ सोना देखते रहते थे तो अब क्या करो गड्ढों को देखो ठीक है ना तो मतलब उसका सोना भी चला गया और अब उसके दोस्त लोग भी मज़े भी ले रहे हैं क्योंकि वो रोज़ रोज होल देखने आया करता था तो जेन टेलर और एन टेलर इसके राइटर हैं ठीक है ना ये आपसे पूछा जाता है ठीक है चलिए क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द एक्सरसाइज सो लेट्स गो अहेड चलिए तो मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर्स इसके राइट कर रखे हैं तो सबसे पहले रीड एंड लर्न है तो रीड एंड लर्न तो बस आपको रीड कर लेना है, है लर्न करना है तो लर्न कर लीजिए फिर बर्ड पावर पे यहाँ पे देख लेते हैं तो बर्ड पावर पे टू मीनिंग्स आर गिवेन अगेंस्ट द ईच वर्ड दो मीनिंग्स दी हुई है हर वर्ड के सामने अंडरलाइन द मीनिंग अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट आप अंडर लाइन करिए जो कि मीनिंग आपको लगे कि सही है ठीक है ये आपका डायरेक्टली आंसर ही लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ तो प्लेजर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ओके टेरिवल का हो जाएगा वेरी अनप्लीजेंट ठीक है ट्रेजर क्या होगा कलेक्शन ऑफ वैल्युएबल थिंग्स फिर फिर जो हमारा है तो हमारा चांस का मतलब क्या हो जाएगा हैपेंड ठीक है माइज़र क्या होता है हमारा माइज़र वन हेट्स टू स्पेंड द मनी माइज़र कौन होता है जो पैसा खर्च करने में बिल्कुल परेशान रहता है मतलब हेट करता है नफ़रत करता है उसको पैसा नहीं खर्च होने से रॉबर कौन होता है वन हु स्टील्स मतलब जो चोरी वोरी करता है ठीक है ना वो रॉबर कहलाता है चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास एक्चुअली में सेकेंड क्वेश्चन इससे रिमूव हो गया है तो एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली इसके आंसर्स क्या होंगे तो आप लोग डायरेक्टली क्या करिएगा कि इसके आंसर्स राइट right कर लीजिएगा ठीक है ना जैसे सेकेंड क्वेश्चन है वेरी हार्ड लक का क्या हो जाएगा आपका इसमें अपोजिट लिखना है ना फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एंटोनिम्स तो ये मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ आप इसको राइट right कर लीजिएगा ठीक है ना हार्ड लक का गुड लक हो जाएगा हार्ड सम का इजी सम हो जाएगा लाइट वेट का हैवी वेट हो जाएगा आपका लाइट कलर का डार्क कलर हो जाएगा फेयर कलर के अनफेयर कलर हो जाएगा फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो जाएगा डार्क कॉम्प्लेक्शन हार्स बॉयस का सॉफ्ट बॉयस हो जाएगा एंड हार्स पनिशमेंट का टेंडर पनिशमेंट हो जाएगा ये सारे आपके आंसर हैं एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ गुड लक हो जाएगा आपका आंसर पहले का दूसरे का इजी सम तीसरे का हैवी बेट चौथे का आपका फोर्थ का डार्क कलर हो जाएगा फिफ्थ का आपका अनफेयर वर्क हो जाएगा सिक्स का आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा सेवन्थ का आपका सॉफ्ट वॉइस हो जाएगा एट्थ का आपका टेंडर ठीक है ना टेंडर पनिशर हो जाएगा ठीक है ये आपके सारे के सारे आंसर है अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है पिक आउट द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग बर्ड्स आपको क्या करना है साइलेंट लेटर्स बता देने हैं जो भी आपके ये फॉलोइंग बर्ड्स यहाँ पे रिटर्न है ठीक है ना तो चलिए साइलेंट लेटर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं जैसे देखिए ये वेंसडे में हमारा कौन सा इसमें साइलेंट होता है डी हमारा साइलेंट होता है ठीक है फिर हमारा साइन में हमारा क्या साइलेंट होता है हमारा जो जी होता, होता है वो साइलेंट होता है ठीक है फिर साइन के बाद हमारा क्या कॉम में हमारा क्या होता है क्लास कॉम में हमारा बी साइलेंट होता है ठीक है के बाद हमारा क्या है नाइफ नाइफ में हमारा क्या साइलेंट होता है के साइलेंट होता है ठीक है फिर नाइफ के बाद क्या है हमारा वॉक वॉक में क्या साइलेंट होता है आई आपका साइलेंट होता है ठीक है फिर आपका कौन सा आर आर में आपका क्या साइलेंट होता है आर में आपका साइलेंट होता है एच ओके फिर यहां पे देखते हैं राइट एट लीस्ट फाइव मोर वर्ड्स विद द साइलेंट लेटर एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर आपको क्या करना है फाइव वर्ड्स लिख लें हैं साइलेंट लेटर से और उन साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करिए तो मैं आपको फाइव बर्ड यहाँ पर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ नो no हो गया अपना ऑनर हो गया किचन हो गया ऑनेस्ट हो गया आपका एंड टॉक हो गया ठीक है ना ये आपके आंसर से ये आपको अपने नोटबुक में राइट कर लेने हैं ठीक है फिर आ जाते हैं किस पे टिक द करेक्ट ऑप्शंस जो हैं उसमें देख लेते हैं सो वॉट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट द पोएम इज़ अबाउट पोएम किसके बारे में है एक माइज़र के बारे में माइज़र कौन था देखिए सिंपल सी बात है अगर हम माइज़र की बात करें तो माइज़र मतलब एक कंजूस ठीक है चलिए मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर बताऊंगा। द माइज़र केम टू द होल टू सी हीज़ माइज़र होल के पास क्यों आता है अपने ट्रेजर को देखने हुए मतलब अपने खजाने को देखने के लिए ठीक है फिर क्या है द नेवर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो जो नेबर्स आए थे वो नहीं जानते थे क्या नहीं जानते थे वाई द माइजर वॉज साउटिंग कि माइजर जो है वो चिल्ला क्यों रहा है ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्लास आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसके सारे के सारे आंसर आप राइट कर लीजिएगा ठीक है ना वॉट वॉज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर एक कंजूस का एकमात्र आनंद क्या था हिज ऑनली प्लेजर वॉच टू सी हीज ट्रेजर एवरी डे अपने ट्रेजर को पर हर दिन देखना मतलब अपने खजाने को हर रोज़ देखना ठीक है दूसरा क्या है वॉट डिड द रॉबर्ट डू विद द गोल्ड रॉबर्ट्स क्या करते थे गोल्ड के साथ द रॉबर्ट टुक अबे द गोल्ड सॉरी वॉट डिड द रॉबर्ट्स डू विद द गोल्ड रॉबर्ट ने गोल्ड के साथ क्या किया लुटेरे ने सोने के साथ क्या किया ठीक है द तो रॉबर्ट टुक अबे द गोल्ड रॉबर्ट क्या किया लुटेरा so, सोना ले गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Why did the माइजर्स make a terrible clatter? The miser made a terrible clatter because treasure was gone. ठीक है कंजूस ने भयानक शोर क्यों मचाया था तो कंजूस ने भयानक शोर इसलिए मचाया था कि उसका खजाना गायब हो गया था ठीक है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है वट डिड द नेवर्स आस्क द माइजर नेवर ने माइजर से क्या पूछा पड़ोसियों ने कंजूस से क्या पूछा द नेवर आस्क द माइजर वॉट वॉज द मैटर ठीक है ना पड़ोसी उसने पूछा कंजूस से कि उस मामला क्या था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट डिड द माइजर से इन रिप्लाई माइजर ने रिप्लाई में क्या कहा द माइजर सेट दैट द रॉबर हैड रन अवे विथ हिज गोल्ड रॉबर कहाँ चले जाते हैं भाग जाते हैं किसके साथ उस अपने गोल्ड के साथ उसके गोल्ड के साथ लुटेरे कंजूस ने बताया कि लुटेरे उसको सोना लेके भाग गया ठीक है फिर क्या है आगे देखते हैं रीड द पोएम इन द गिवन बुक केयरफुली एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग्स इसमें आपको कम्प्लीट करना है तो ये आप खुद ही अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं ठीक है चलिए थ्री थिंग्स ये क्या है अब देख लेते हैं हाँ थ्री थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर एक आदमी का जो फ्यूचर है तीन चीज़ें क्या बर्बाद कर सकती वाइन प्राइड एंड एंगर ठीक है थ्री थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ तीन चीज़ें जो एक इंसान की लाइफ बना सकती हैं हार्डवर्क सिंसेरिटी एंड कमिटमेंट ठीक है लेट्स रीड ये क्या है आपकी एक पोएम है तो इसको आपको रीड करना है ठीक है ना ये डायरेक्टली इसके लिखे हुए आपको कर लेना है <coughs> क्या बोल रहा है रीड द पोएम द माइजर एंड हिज गोल्ड केयरफुली आपको क्या करना है ये पोएम को रीड करना है अच्छे से एंड कंप्लीट द मैसेज दैट पोएम गिफ्ट हमको अब मैसेज बताना है कि हमको पोएम से क्या मैसेज मिलता है ठीक है ना तो अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ वी शुड नॉट ग्रीडी इन आवर लाइफ बिकॉज वेल्थ इज़ वेरी शॉर्ट लिव ठीक है ना मतलब वो बोल रहा है कि हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ये ज़्यादा मोटा हो गया आप इसको राइट कर लीजिए कि वी शुड नेवर ग्रीडी हमें कभी भी क्या होना लालची नहीं होना चाहिए वी शुड एक मिनट क्लास हाँ वी शुड नॉट बी ग्रीडी इन अवर लाइफ बिकॉज वेल्थ इज वेरी शॉर्ट लिव्ड ओके ना दूसरा इसका क्या है मोटिव है बी शुड ऑलवेज हेल्प अवर नेबर्स बिकॉज वेन इन ट्रबल्स नेबर्स आर द फस्ट वन टू कम एवरी वन नीड हेल्प ओके okay. मतलब हमेशा हमें अपने क्या करना चाहिए कि अपने नेबर्स की मदद करनी चाहिए क्योंकि नेबर्स ही होते हैं जो आपके पहले होते हैं जो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास आते हैं ठीक है ना ये आपको वो है फिर इसमें क्या है आपको ट्राई टू कलेक्ट पोएम्स ये आपको करना है ख़ुद से चलिए देख लेते हैं बाकी अब कुछ भी नहीं है क्लास ये आपकी वो है इसको आप राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं नहीं लास्ट में आपकी वो ऑलरेडी रिटर्न है ठीक है ना थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं